आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर थर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ के रूल्स देख रहे थे। तो किरचॉफ के जो दो रूल्स थे ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। एक था जो है आपका जंक्शन रूल था, ठीक है भाई, जंक्शन रूल था, और सेकंड वाला जो आपको बताया था वो लूप रूल था। तो दोनों रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूल के बेस पे ही जो है आप ये निकाल पाते हैं कि जो है पर्टिकुलर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उससे जो हो के कितना जो है करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है ये निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आपका ओम्स लॉ का जो है एडवांस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अपन देख ले, यहाँ पे यदि अगर हम किरचॉफ रूल अप्लाई करना चाहते हैं ना, यदि अगर मान लीजिए हम किरचॉफ रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे तो किस तरीके से जो है ये सर्किट में कर सकते हैं। तो एक ये सर्किट इस तरीके का दिया हुआ है। तो एक सर्किट में आप यहाँ पे देख रहे हैं 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक 40 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ना ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे बैटरियाँ भी लगी हुई है। आप देख रहे हैं इस तरीके से बैटरियाँ भी लगी हुई है, ठीक है भाई। तो फिर हमें क्या है कि यहाँ पे दो रूल है। पहला तो जो है आपका जो है जंक्शन रूल। तो यदि अगर हम जंक्शन रूल यदि अगर लगाना चाहे तो कैसे लगेगा, ये चीज़ को पहले अपन देख लें। तो जंक्शन रूल के लिए मान लीजिए ये वाला जंक्शन है, ए पॉइंट का यदि अगर हम कोई जंक्शन देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे तीनों करंट, एक करंट I1 है, एक करंट I2 है और एक करंट I3 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मान लीजिए हम इसको बड़ा देखते हैं तो इस तरीके से हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख लें, यहाँ पे जो है करंट, यहाँ I1 है, यहाँ I3 है और यहाँ पे I2 है। तो आप पहला रूल क्या कहता है कि भाई जो जितना भी अलजेब्रिक सम होता है, जितना भी जो करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है। कहने का मतलब है जो करंट एंटरिंग करेगा किसी पर्टिकुलर जो है लूप जो है जॉइंट की ओर अगर एंटर करेगा, और जो बाहर जाएंगे दोनों, वो दोनों का जो है इक्वल होते हैं, है ना, आपस जो करंट है वो इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है इस वाले, इस पॉइंट ए की यदि अगर हम बात करें तो इस वाले में I1 और I2 ये दोनों क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, और I3 क्या हो रहा है, इनसाइड में हो रहा। तो ये I3 हो गया और बराबर यहाँ पे कितना हो गया, I1, और प्लस क्या हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो ये बाहर की ओर जा रहे थे इनको हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे होगा I3 और माइनस हो गया I1 और माइनस हो गया I2 बराबर 0। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन इस तरीके से मिल गई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब मान लीजिए हमें कहीं और वैल्यू कोई इक्वेशन I1 I2 वगैरह मिलती है तो हम वहाँ से सॉल्व करके ये पर्टिकुलर जो करंट है इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। सिमिलरली हम यहाँ पे एक जो सेकंड रूल है ना, सेकंड रूल भी हम लगा सकते हैं। सेकंड रूल जो आपने देखा था लूप रूल कहलाता था या फिर मैश रूल कहलाता था ये, ठीक है भाई, पर्टिकुलर मैश रूल से कहलाता था। तो ये वाला लूप पर निर्भर करेगा, है ना, लूप में कितने जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कितनी जो है बैटरियां लगी हुई है ना, और आपने डायरेक्शन कौन सा लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आता है डायरेक्शन। हालांकि इसमें ये कहता है कि भाई जो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल पे कहता है, और जो नेगेटिव वाला होता है लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो इस तरीके से हम जो है एक डायरेक्शन को चूज़ करेंगे। यदि अगर जो हमने डायरेक्शन चूज़ किया हुआ है उस डायरेक्शन के अगर में यदि अगर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और जितने रेजिस्टेंस है और करंट है उनका यदि अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उनको निकालने के बाद में हम जो है उनको पॉजिटिव लेंगे, और यदि अगर मान लीजिए हम उसके अपोजिट जाते हैं तो फिर हम उसको नेगेटिव लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो डायरेक्शन आप चाहे क्लॉकवाइज ले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक बार में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही डायरेक्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो अब यदि अगर मान लो आप इस सर्किट पे ध्यान देंगे, जैसे ये वाले जो है क्लोज लूप पे ध्यान देते हैं, तो ये क्लोज लूप क्या बन रहा, मान लीजिए ये क्लोज लूप, ये हमेशा ध्यान दे कि इसमें हमें क्लोज लूप चूज़ करना है। तो इन क्लोज लूप, क्लोज लूप यदि अगर ले रहे हैं तो इन क्लोज लूप, तो मान लीजिए क्लोज लूप हो गया ए,
दूसरा फिर यहाँ से हो गया H, मान लीजिए H यहाँ से, फिर यहाँ से D ले लिया मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ C हो गया, और फिर यहाँ पे B ले लिया, और फिर यहाँ पे वापस A। तो इस तरीके से ये लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने जो लूप यहाँ पे लिया, ये प्लस डायरेक्शन है और ये माइनस है, तो करंट का डायरेक्शन तो आपका इस लूप में इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई। तो यदि अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने ये लूप ऐसा डायरेक्शन लिया हुआ है ना, तो यदि अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो अब आप ये ध्यान दें कि जो भी करंट का डायरेक्शन, अगर मैंने जो डायरेक्शन चॉइस किया हुआ है उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज़ उसको नेगेटिव लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से ध्यान दें, जो भी करंट का डायरेक्शन मैंने चूज़ किया हुआ है उस डायरेक्शन में अगर कोई करंट आ रहा है, तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और अदरवाइज़ नहीं तो फिर नेगेटिव लेना है, इस चीज़ का ध्यान दें। तो यहाँ पे यदि अगर हम यहाँ पे ए से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, I1। तो हम मैंने जो चॉइस किया था ये इस तरीके का, तो ये I1 करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये करंट हो गया I1, और इसके साथ में रेजिस्टेंस कितना है, 30। तो ये हो जाएगा 30, और इनटू कितना हो गया यहाँ पे, I1 हो गया, 30 × I1 हो गया। अब इस पे इधर और आगे चलते, तो इधर आगे चलने के बाद में यहाँ तो बैटरी है, बैटरी को हम बाद में इसके बराबर कर देंगे। फिर यहाँ से है ये 1 ओम, है ना, तो 1 ओम। तो ये वाले जो, यदि अगर हम इस वाले में देखें, तो यहाँ पे कौन सा करंट चल रहा है, यहाँ पे I3 करंट हो रहा है इस वाले जो है लूप में। तो ये यहाँ पे हम पहले इसको, और I3 वाला जो करंट है वो भी आप मेरे जो डायरेक्शन मैंने लिया था उसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है भाई। मैंने जो डायरेक्शन लिया था उसी डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम है ना, और तो 1 × कितना करंट है, यहाँ पे I3 है। उसके बाद में फिर प्लस इस वाले रेजिस्टेंस पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी 40 है, और इसके साथ में कितना है, I3 है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन देखें, 1 I3 प्लस 40 I3, तो कहने का मतलब है 41 I3 हो जाएगा। कहने का मतलब, अब इसके बाद में ये देख ले कि यहाँ से जो है वोल्टेज कितना है, तो ये इसको बराबर कर दीजिए आप 45 वोल्ट। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में हम जो आपका किरचॉफ का सेकंड रूल है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 30 है ना, 30 I1 हो जाएगा, और साथ में कितना होगा, 41 हो जाएगा, और I3 41 I3 हो जाएगा, और बराबर 45। तो ये एक सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना भाई। तो पहली वाली इक्वेशन आपको क्या मिली थी, किरचॉफ रूल की, ये मिली थी आपकी I3 = I1 + I2, और यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई I1 + I3, ठीक है। तो हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो इस तरीके से आपका एक इक्वेशन ये हो गया, और जो सेकंड इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये I1 और यहाँ I3 मिला हुआ है, यहाँ पे I1 और ये I2 मिला है, लेकिन इसमें I3 भी है। तो इस तरीके से हमें कोई भी ऐसा कॉमन जो है ये नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हमें जो तीसरा वाला जो लूप है, थर्ड लूप में किरचॉफ सेकेंड रूल हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो है, जो हम उसके बाद वाला जो लूप ले लेते हैं, इन लूप, अब ये वाले लूप में यदि अगर हम ले रहे हैं, तो ये लूप में अब आप करंट का डायरेक्शन है ना, इसमें दो बैटरी लगी है, ये भी बैटरी लगी है और ये भी लगी हुई है, तो आप चाहो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस ओर में भी ले सकते हैं, और ये वाला यदि अगर आप बैटरी लेते हो, तो इस तरीके का भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो जो भी हमें कन्वीनियंट होता है, लेकिन एक बार में जो आपने डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन महत्वपूर्ण होता है। तो यदि अगर मान लीजिए हमने यही डायरेक्शन यूज़ किया, मान लीजिए हमने ये डायरेक्शन यूज़ किया, तो इस डायरेक्शन में जो भी करंट यदि अगर आता है, तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ नेगेटिव होगा। तो अब हम जो लूप ले लेते हैं, लूप मान लीजिए हमने लूप का डायरेक्शन लिया डी, मान लीजिए लूप का डायरेक्शन ले लिया डी, उसके बाद यहाँ से लिया सी, फिर हमने ले लिया बी, फिर यहाँ से हमने ले लिया ए, फिर हमने यहाँ से डायरेक्शन ले लिया जी, और फिर हमने यहाँ से F ले लिया, और फिर हमने ले लिया मान लीजिए E, इस तरीके से हमने ये जो है, और लास्ट में फिर से D। तो
तो इस तरीके से क्लोज लूप बन गया। हर बार ध्यान रखें कि हमें क्लोज लूप जरूर बनाना है। तो ये बन गया। अब आप यहाँ पे ये देख लें कि भाई जो है कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और कितनी बैटरियाँ लगी हैं। तो अगर बैटरियों की बात करें तो यहाँ पे दो बैटरियाँ लगी है, एक ये वाली बैटरी 45 वोल्ट की और दूसरी एक 80 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अब यहाँ पे देख ले आप, ये जैसे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव से जुड़ा है और ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इस तरीके से आपको ये मालूम है कि सीरीज़ कनेक्शन में इस तरीके से यदि अगर बैटरियाँ लगी हुई होती है, तो आपने देखा था सेल इन कॉम्बिनेशन में, तो सेल इन कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि वो जो है आपस में ये इनका जो वोल्टेज है ये आपस में जुड़ जाता है ना, ये चीज़ आपने देखी हुई थी। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले वोल्टेज को ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 45 हो गया और प्लस कितना हो गया, ये 80 वोल्ट हो गया, ये दोनों आ गए। अब इसके बाद में उसके बाद वाले में अब हम यहाँ से, हमने शुरुआत डी से करी थी, ये डी वाले से। तो अब यहाँ पे जाए तो यहाँ 1 ओम है ना, तो 1 ओम, 1 के साथ में रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ में I3 करंट है। और पिछले बार हमने जोड़ दिया था ये दोनों सीरीज़ में ही थे, तो ये हो गया आपका फिर से 41 I3 हो गया। ठीक है भाई, 41 I3 यहाँ से हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे यदि अगर हम आते हैं तो हमने करंट का डायरेक्शन ऐसा ऐसा ही लिया था, तो ये भी I2 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये I2 हो गया, I2 के साथ में यहाँ पे क्या हो गया, 1 ओम हो गया और ये 20 ओम, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है 1 ओम और जो है 20 ओम, यहाँ पे कितना हो गया, 21 ओम हो गया। तो 21 ओम के साथ में हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे I2 ले लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब निश्चित रूप से ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन इक्वेशन की सहायता से जो करंट की वैल्यू है I1, I2 और I3, ये निकाली जा सकती है। ठीक है भाई, तो जो है अपन इसमें आराम से अब जो है इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ से ये तीन इक्वेशनें मिल जाएगी। इन तीन इक्वेशन को यदि अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हम जो है वैल्यू, करंट की वैल्यू जो है I1 है या I2 है और I3 है, ये करंट के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आपको जैसे मालूम है सॉल्व करना होता है, आप चाहो तो दो इक्वेशनों को लेके जैसे 41 I3, 41 I3, इनको ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं और उसके बाद में रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे I2 और ये I1 के बीच में रिलेशन निकल जाएगी, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है, जैसे ये जो है आपका ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू में रख दी और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम जो है एक आध न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, जो सर्किट वाला क्वेश्चन है, इसके बेस पे देखते हैं। ठीक है भाई, तो पहले आप इसमें ये ध्यान दें कि जो आप पहले जो सर्किट सॉल्व करेंगे, पहले आप इसमें सिंपल सर्किट को सॉल्व करें, है ना। सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देख लें कि भाई उसमें जो है कितने जो है बैटरी जो है लगी हुई है, कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपने कौन सा लूप लिया हुआ है। इसको लेने के बाद में पहले सिंपल वाले जो है आप इक्वेशन सॉल्व करके देखें, उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले सर्किटों को देखें। ठीक है भाई, ओके। तो किरचॉफ के रूल को एप्लीकेशन ये देखने के लिए एक जो है हम यहाँ से सर्किट जो है चूज़ करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से एक सर्किट आपको दिया हुआ है और ये आपका बोल रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क, है ना, आपको जो है इसमें आपको शो करना है। अब मान लीजिए यदि अगर करंट आपको नहीं दिया तो उस केस में आपको लेबल करना पड़ेगा, करंट को लेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि अगर मान लीजिए ये वाले ब्रांच में यदि अगर अपना जा रहे हैं, मान लीजिए ए बी और सी वाले, है ना, ए बी सी वाले, ए और ए बी सी वाले ब्रांच में है, तो इसमें यदि अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक बैटरी लगी हुई है। तो इस बैटरी को जो है यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यदि अगर ये बैटरी यदि अगर हम ले रहे हैं तो मान लीजिए इससे करंट होके I1 यदि अगर करंट ले रहे हैं, तो ये करंट इस तरीके से ये प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला तो आपका हो गया I1 करंट। अब यहाँ पे I1 करंट हमने ले लिया, दूसरा यहाँ पे अब ये जो है ये यदि अगर हम इस यहाँ से लेते हैं, तो यदि अगर ये वाले ब्रांच में मान लीजिए हमें ये नहीं मालूम है कि ये वाले ब्रांच में कितना करंट हो रहा है इसके साथ में,
है ना, ये वाले के साथ में। तो मान लीजिए इस ब्रांच में आई टू करेंट यदि अगर हो रहा है ना, ये वाले ब्रांच में आई वन करेंट ले लिया, इस वाले में मान लीजिए आई टू लिया हमने, है ना। तो ये आई टू करेंट हमने ले लिया मान लीजिए, तो आई टू करेंट को हम यहाँ से ले लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है आपका आई वन करेंट ये हो गया, दूसरा करंट मान लीजिए इस ब्रांच में आई टू हो रहा, और ये तीसरा वाला ये वाले जो उसके वजह से मान लीजिए ये आई थ्री करंट हो रहा, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो रहा है, तो यदि अगर अब हम जो है यदि अगर ये यहाँ पे जा रहा, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यदि अगर हम ले, और दूसरा फिर यहाँ पे ये ध्यान दे कि ये ए वाले ब्रांच से इधर अगर आई टू करंट चला गया मान लीजिए, इस तरफ आई टू करंट जा रहा और ये वाला आई वन हो रहा, तो ये बचा हुआ करंट है ना, ये वाले में कितना होगा, आई वन माइनस आई टू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो यदि अगर हम सी पॉइंट पे आते हैं, तो सी पॉइंट पे इस केस में क्या हो जाएंगे कि यहाँ से जो है आपका ये वाले पे लेते हैं, तो आई वन माइनस आई टू ये दो करंट तो पहले से ही है ना, ठीक है भाई। तो आई वन माइनस आई टू और उसके बाद आई थ्री करेंट, तो आई थ्री करेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो ये वाला आपका तो ये वाले से जो हमने लिए हैं, इस वाले से आई वन माइनस आई टू है, ये आई वन माइनस आई टू वाला है, और इस और यदि अगर ले रहे हैं तो कौन सा करंट हो रहा, ये आई थ्री वाला हो रहा, ये वाला करंट हो रहा ये वाले। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस में हमें ये ध्यान दे कि सबसे पहले जो करंट होता है उनको आपको लेवल करना होता है ना। तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे करंट को जो है लेबल कर सकते हैं। तो अब जो है हम यदि अगर हमें ये निकालना है कि जो क्लोज लूप जो हम लेते हैं, हमें दो या तीन पॉइंट इसमें चाहिए हुए होते हैं, है ना। तो यदि अगर मान लीजिए हम लूप ले यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने एक लूप ले लिया, ये वाला पहला वाला ये ले लिया मान लीजिए, है ना। तो अब इसमें आप ये देख लीजिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला है, तो हम मान लीजिए इस तरीके का यूज़ करते हैं लूप, हम ये यूज़ करते हैं, है ना। तो मान लीजिए इन लूप है ना, इन लूप हो जाएगा, तो ए बी और सी और ए, तो ए बी सी और ए ये लूप हमने लिया हुआ है। तो इसमें अब आप देख ले कि भाई करंट कौन कौन सा लिया है, जैसे हमने यहाँ पे करंट आई टू माना था इस ब्रांच में, तो इसमें रेजिस्टेंस देख ले 4 ओम है, और 4 ओम के साथ में करंट कितना है, ये आई टू है ना। इसके बाद में फिर ये वाले ब्रांच में आप आ जाए, तो यहाँ पे 2 ओम है, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, और इसके साथ में करंट, ये ध्यान दे आप कि यहाँ पे आई टू प्लस आई थ्री, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ से आई टू करेंट इस ओर से आ रहा है, तो ये भी यहाँ जुड़ जाएगा और आई थ्री भी करंट जुड़ जाएगा, है ना, इस ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दे 2 ओम के साथ में आई टू प्लस जो है यहाँ से आई थ्री करेंट ये जुड़ जाएगा। अब इसमें आप ये देख लें कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज है या जो बैटरी है ये कितनी लगी है, तो एक ही बैटरी लगी हुई है, इसको बराबर 10 के बराबर आप ले सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कितना हो गया यहाँ पे आई टू हो गया, 4 आई टू हो गया, और प्लस कितना हो गया यहाँ से, 2 आई टू हुआ है ना, और प्लस कितना हो जाएगा साथ में, 2 आई थ्री होगा, और बराबर कितना हो गया यहाँ से, ये 10 हो गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 आई टू हो गया, और प्लस कितना हो गया यहाँ से, 2 आई थ्री हो गया, और बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, है ना भाई। तो ये एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, 6i2 प्लस 2i3 और बराबर 10। चाहो तो आप और 2 का भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3i2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा i3 प्लस i3 होगा, और बराबर कितना होगा यहाँ से, 5 हो जाएगा, है ना। तो आप एक इक्वेशन को ले सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो आपने यहाँ से ये ए बी और सी और वापस ए वाला ये लूप आपने चूज़ कर लिया था, है ना, इसमें डायरेक्शन आपने ऐसा लिया हुआ था। अब यहाँ से अब हम दूसरा लूप ये वाला ले सकते हैं, है ना। तो ये ले ले इन लूप, है ना, इन लूप हो जाएगा बी और ई और डी और सी
और बी, आप ये लूप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इन लूप बी क्लोज लूप, है ना, इन क्लोज लूप बी, और ये ई है ना, और फिर यहाँ से डी, और फिर यहाँ से सी, और ये फिर बी, ये लूप आप ले लेंगे। तो यहाँ से यदि अगर लेते हैं तो अब यहाँ पे देख ले, ये तो करंट आपका I3 हो रहा है। अब ये करंट का डायरेक्शन आपको लेना है, तो आप चाहो तो करंट का डायरेक्शन ये ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बैटरी प्लस दिख रही है और माइनस, तो इस डायरेक्शन में, यानी कौन सा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपने लिया। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखिए, तो I3 तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये I3 के साथ में यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कोई भी इस जगह कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब ये बी पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे तो करंट I2 + I3 है, और ये 2 ओम है, तो ये 2 के साथ में I2 + क्या हो गया, I3 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से फिर ये वाले पॉइंट पे आप आएंगे, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे ध्यान दे दें, तो इधर भी करंट का डायरेक्शन यही हो रहा है जो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए कि इतना रेजिस्टेंस है, प्लस फिर से 2 है, और 2 के साथ में फिर करंट, लेकिन अब 3 हो गए। तो ये है आपका I2 + I3 और माइनस जो है I1। तो आपको ये करंट का, ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई जो करंट का पहले लेबलिंग कर लेना है। अब इसको, अब इसमें देख लीजिए कि भाई आपको वोल्टेज या बैटरी कितनी हो रही थी, यहाँ पे कितना हो रहा, 5 वोल्ट हो रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 2 I2 हो गया, प्लस 2 I3 हो गया, है ना, और फिर यहाँ से प्लस हो गया 2 I2 फिर से, और प्लस 2 I3 है ना, और फिर यहाँ पे माइनस था, है ना, -2 I1, और बराबर यहाँ से 5। अभी इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, जो जो सेम है उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे I1 वाला आप चाहो तो देख लो, तो ये रहा पहले I1, तो ये होगा -2 I1 हो गया, और यहाँ पे I2 4 I2 हो जाएगा, 2 I2 और 2 I2 4 I2 जुड़ जाएगा, और फिर यहाँ से 4 I3 हो जाएगा, ठीक है भाई, और बराबर कितना है यहाँ से, 5 है। तो ये एक सेकंड इक्वेशन हो गया, तो ऐसे आपको 2 इक्वेशन मिल गए। अब आप चाहो तो ये देख ले कि अगर ये 2 इक्वेशन से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, यानी करंट की वैल्यू आ जाती है, तो ठीक है। तो यहाँ I2 और I3 है, बट यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे फिर I1 भी है, तो आपको एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन ये थर्ड वाला लूप भी ले लेते हैं, ताकि फिर इजली अपन सॉल्व कर सकें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो आपको ये 2 इक्वेशन मिले, 3 I2 + I3 बराबर 5, और -2 I1 4 I2 और 4 I3 और 5, तो इसमें I1 और एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस वजह से हम जो है तीसरा लूप भी ले लेते हैं। तो तीसरा लूप हम ये वाला ले सकते हैं, ये वाला जो आपका ए ले सकते हैं, ए और ये सी और डी और जो है ये वाला। अब इसमें आप देख ले कि भाई इसमें जो है आपका ये वाली बैटरी लगी है, तो आप तो चाहो तो डायरेक्शन ऐसा ही ले सकते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज वाला, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज लूप भी उसी हिसाब से बना देते हैं, तो इसमें अपन बना लेते हैं इन लूप ए है ना, और डी, इन लूप ए डी और जो है सी, है ना, ADC और ADC और ए, है ना, ADC और ए, ये लूप हम वापस बना देते हैं, ADC और ए, ये लूप ले लेते हैं। अब ये ध्यान दे, जो हमने डायरेक्शन लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन लिया है उसी को, उस डायरेक्शन में अगर कोई करंट होगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो अपन चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 4 है, 4 ओम के साथ में करंट कितना है यहाँ से, I1 - I2 है, ये करंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे ध्यान दे कि ये करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये वाला इसके अपोजिट आ रहा है, तो ये ध्यान देना है यहाँ से माइनस होगा, ये अच्छे से ध्यान दे। तो ये हो गया 2 हो गया, और इसके साथ में -2 के साथ में I2, और प्लस क्या हो गया, I3 हो गया, और माइनस क्या हो गया, I1 हो गया, ये ध्यान दे इस चीज़ को अच्छे से। तो ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये, तो ये वही डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये तो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहाँ से I1 के साथ में कितना है, प्लस जो I1 के साथ में क्या है, यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है भाई।
आई वन के साथ ये 1 ओम है, तो उतना ही आई वन ही हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देख ले भाई वोल्टेज कितने हैं, तो यहाँ पे केवल एक जो है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इसके बराबर भी 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड वाला, ये जो लूप लेते हैं अपन, तो जो ए और डी और सी और ए वाला लूप। अब इसको जो है हम थोड़ा सॉल्व करें फिर से, तो जो है 4 यहाँ से जो है I1 हो गया है ना, 4 I1, और माइनस हो गया 4 I2, 4 I2 हुआ, फिर माइनस यहाँ से ध्यान दे 2 जो है I2, और माइनस 2 I3, और फिर माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 I1, और फिर यहाँ से प्लस क्या है, यहाँ पे I1 है, और बराबर क्या था, वोल्टेज 10, तो ये 10 बना हुआ। अब इसको हमको थोड़ा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे I1 की यदि अगर बात करें, तो I1 आप ये देख ले 2 और 1, 3 I1, और यहाँ से ये 4 I1, तो इस तरीके से ये जो I1 आ जाएगा, ये 7 I1 आ जाएगा, ये ध्यान दे 7 I1। अब यहाँ से अब अगर I2 की बात करें, तो -4 I2 -4 I2 और -2 I2, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से 6 I2 हो जाएगा, -6 I2 हो गया, और फिर लास्ट में बच गया -2 I3, और बराबर कितना होगा 10, तो ये इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब डेफिनेटली ये जो 3 इक्वेशन मिली है, इसके आधार पे हम जो है अब आसानी से करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए शुरू में तो ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, क्योंकि हमें पूरे सर्किट में जो है करंट जो निकले हुए होते हैं उसके साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू और 3 इक्वेशन लेनी ही पड़ती है, लेकिन बाद में एक या दो वैल्यू यदि अगर हम निकाल लेते हैं, तो ये हमको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हमने जो ये सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल गई। अब आप यहाँ पे देख रहे चाहो तो यह माइनस है, सेकंड वाली इक्वेशन में जो है माइनस है, आप चाहो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर माइनस का आप पूरे सम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा 2 I1 -4 I2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 I3 होगा। ठीक है भाई, ये भी सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, और इक्वल ये माइनस हो जाएगा, और ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इसमें ये देख ले कि भाई जो सबसे सिंपलीफाई वाली जो है कौन सी होगी, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप इसमें देख ले, जैसे यदि अगर मान लीजिए आपने ये वाली इक्वेशन को भी आप लेते हैं, है ना, तो यहाँ से हो गया 7 I1 -6 I2, और माइनस कितना हो गया, 2 I3। ठीक है भाई, ये इक्वल बराबर यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड आपने ले लिया। अब आप यहाँ पे क्या कर ले कि देख ले जैसे यहाँ पे कौन सा बराबर होगा, तो आप जो है यहाँ पे चाहो तो ये 4 और ये 2 I3 वाले को इक्वेशन बराबर कर सकते हैं, तो इसमें आप जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसमें कुछ नहीं तो 1 का है समझ लो, तो यहाँ पे हो गया इक्वेशन 2 I1 -4 I2 -4 I3 बराबर -5, और इस तरफ लेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 14 I1 हो जाएगा, -6 I2 होगा, और 6 नहीं बल्कि कितना, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 I2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 I3। ठीक है, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो अब आप इनको क्या कर दीजिए, जो है माइनस कर दीजिए, तो यदि अगर आप माइनस कर देते हैं, है ना, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो इक्वेशन मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, दोनों माइनस जुड़ के -25 हो गया, और यहाँ से +12 I2 में से 4 I2 गया, तो यहाँ पे जो है आपका बच गया कितना, +8 I2 बचा, और यहाँ से यहाँ पे आपका जो था 2 I1 था, 2 I1 में से -14 I1 गया, तो ये आपका बच गया कितना, -12 I1।
तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ से फिर आई टू और यहाँ पे आई वन मिल गया है और बराबर -25 हो गया। तो हम एक बार फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 12 I1 हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करने पे, और -8 I2 हो जाएगा और बराबर 25 हो जाएगा। तो मान लीजिए इक्वेशन 4 मान लिया। तो अब जो आपको पहला वाला इक्वेशन मिला था इसमें आपको I2 और I3 मिल गया, और चौथी वाली इक्वेशन में आपको I1 और I2 मिल गया है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो है, जो यहाँ पे यहाँ I2 है और I3 है, तो यहाँ पे भी जो है आपका अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, आपका जो है ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसी में वैल्यू निकाल के आपको जो है I1 I2 के साथ में और या I2 I3 के साथ इस वाले इक्वेशन में भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम सेकंड वाले में इसको रख देते हैं, और यहाँ I1 I2 के बीच में रिलेशन निकली है, यहाँ से हम जो है जो है I2 और I3 के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ से ये जो है आपकी पहली वाली इक्वेशन थी 3 I2 + I3 = 5, और ये वाली जो फोर्थ इक्वेशन जो हमने अभी निकाली थी, और ये वाली जो है सेकंड वाली इक्वेशन जो आप पहले से देख रहे थे। तो अब यहाँ पे जो है हम क्या कर लें कि भाई एक कोई वैल्यू निकाल लें, जैसे यहाँ पे आपको जो है यहाँ I2 दिख रहा है और यहाँ I1 दिख रहा है, तो हम जो है इस वाले से फोर्थ वाले से जो है ये वैल्यू निकाल ले जो है I1 वाले की, है ना, और यहाँ पे रख दे। ठीक है भाई, ये ठीक है भाई, I2 वाले की जगह पे यहाँ पे रख दे, और यहाँ से भी हम क्या करें, यहाँ से भी जो है हम I1 की ही वैल्यू निकाल दें। तो पहले तो हम सेकंड वाले और फोर्थ वाले से, है ना, फ्रॉम फोर्थ एंड जो है सेकंड वाले से ले लेते हैं, तो फोर्थ और सेकंड वाले से ले लेते हैं, तो यहाँ से हम जो है I1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपका 12 I1 -8 I2 बराबर यहाँ पे 25 आपका दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर ले I1 की वैल्यू निकाल ले, तो I1 बराबर यहाँ से हो गया 25 और यहाँ इस तरफ चला गया तो 8 I2 हो गया, और डिवाइड बाय 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 हो गया, इस तरीके से ये निकल जाएगा, तो ये आपका I1 हो गया। तो ये I1 की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं, है ना, तो यहाँ से हो गया 2 हो गया, और I1 कितना है यहाँ पे 25 बाय यहाँ से 12 है, -8 बाय यहाँ से 12 है। ठीक है भाई, और ये I2 है, और माइनस कितना है 4 I2 है ना, और -4 I3 है और बराबर -5 है। ठीक है भाई, आप चाहो तो इक्वेशनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन आपको ये दिख रही है तो उनको आप चाहो तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो आप चाहो तो इनको सीधा, जैसे ये आपका 3 दिख रहा है तो आप डिवाइड करके भी उनको निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है दिख रहा, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50, है ना, बाय जो यहाँ से 12 हो जाएगा, और माइनस होगा 16 I2 बाय यहाँ से 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ से कितना हो गया -4 I3 हो गया और बराबर -5 हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से ये आपको मिलेगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, अब ये अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये 12 आ जाएगा, है ना, तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पहली इक्वेशन लिखी हुई है, पहली इक्वेशन थी 3 I2 और +I3 = 5, और अभी हमने सॉल्व किया था इसको, तो ये आ गया था मान लीजिए 12 का वो जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में 50, यहाँ तो 12 था -16 और I2, और 12 से 12 चको ये 48 था आपका, 48 I3 और बराबर फिर यहाँ पे
-5 के साथ 12 तो -16। अब ये थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो गया -16i2 और -48i3 और बराबर -60 और माइनस कितना 50। ये ध्यान दे इधर जाने पे तो ये जुड़ जाएगा, तो -16i2 और -48i3 और माइनस माइनस ये जुड़ के माइनस ये कितना हो गया 0 और ये 11 हो गया, 110 हो गया। माइनस का सब तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16i2 हो गया और फिर +48i3 हो गया और बराबर ये 110 हो गया। अब हम साथ में 2 का भी चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 8i2 हो गया प्लस ये हो गया 2 और 24i3 हो गया और बराबर ये कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है भाई, तो ये मान लीजिए हमने 4 तक इक्वेशन ली थी, ये 5वीं हो गई। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको I2 और ये I3 रिलेशन हो गई। तो ये चाहो तो आप दोनों को लिख सकते, चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते 3I2 और प्लस यहाँ से I3 और बराबर 5 है ना, ये 4। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जैसा भी चाहो तो ले, चाहो तो यहाँ पे इसमें 8 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर ले और ये सॉल्व हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से जो ये आपकी पहली वाली इक्वेशन थी ये 5वीं वाली इक्वेशन थी, है ना, याद होगा आपको। अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को इक्वेटिंग करना है ना सॉल्व करने के लिए, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5th वाली में, तो ये 24i2 हो जाएगा और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देते 3 का तो ये हो जाएगा 12 है ना, और ये 1 लिया तो ये 6 और ये 72i3 हो गया और बराबर फिर से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेगा 5 3 15 और 15 और ये 16 तो 165 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर 8 का करते हैं तो 24 जो है I2 हो जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे कितना हो गया 8 है ना I3 हो गया और फिर से आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो ये होगा, अब आप जो है माइनस कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखिए I3 मिल गया तो 72 में से 8 गया तो ये जो है 4 बज गया, 64 है ना, 64i3 हो गया और यहाँ पे ये माइनस हुआ तो 5 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ पे 12 है ना, 125 हो गया। तो कहने का मतलब है यदि अगर हम I3 निकालते हैं तो ये 125/64 होगा। ठीक है भाई, तो यदि अगर आप इस तरीके से I3 में डिवाइड दे देते 125/64 तो लगभग लगभग 1.95 एम्पियर के आसपास आता है, तो उसके आसपास जो है डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो अब जो है आपको ये I3 के वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पे वैल्यू रख के I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ऐसी कोई दूसरी इक्वेशन मिल गई जहाँ पे कि आपको I3 और I2 की इक्वेशन वैल्यू मिल गई है, वहाँ से आप I1 की वैल्यू भी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, इस तरीके से जो है थोड़ा सा जिसका प्रोसेस लंबा होता है आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको इक्वेशन केवल सॉल्व करनी है तो आप किसी भी मेथड से जो है आप इक्वेशन को सॉल्व कर लें और जो भी आपको लूप इजी पड़ता है, जो इक्वेशन इजी पड़ती है, आप पहले उसको सॉल्व कर लें और उसके आधार पे आप वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉर्मली जो करंट की वैल्यू होती है ये कम ही आती है और डेसिमल में आती है या फ्रैक्शन फॉर्म में आती है। तो आशा है आप इसकी जो है प्रैक्टिस करके देखेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अलग अलग, पहले मैंने आपको बताया कि पहले आप सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें, तो आप बना के देखें। और यदि अगर जो है आपको दिक्कत जाती किरचॉफ रूल में तो जो है आप पर्टिकुलर जो ये जो है ना नंबर है इस पे आप अपना कमेंट शेयर करके ज़रूर बता दें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ओके।